बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने हेमंत सरकार को बिजली आपूर्ति मामले में घेरा है। उन्होंने कहा कि चुनाव से झामुमो ने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांव में भी 24 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी, लेकिन वर्तमान में बिजली संकट पर सरकार को कोई ध्यान नहीं है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था कि शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, गांवों में भी 24 घंटे बिजली रहेगी। लेकिन अभी जो बिजली की भयावह स्थिति है वो देखकर लगता है कि इनके मैनिफेस्टो में मिसप्रिंटिंग हो गई थी और 24 घंटे जहां इन्होंने लिखा है उसमें लगता है 2 और 4 के बीच में एक डैश छूट गया था, क्योंकि अभी बिजली की आपूर्ति सिर्फ 2 या 4 घंटे ही हो रही है। लेकिन आप देखिए कितनी भयावह स्थिति है, प्रचंड गर्मी चल रही है और ये सरकार को कोई अंतर नहीं पड़ा। पूछने पर सरकार कहती है कि भाई हमने तो एडवांस दे दिया है और बिजली की निर्बाध आपूर्ति होगी, तो फिर ये एडवांस किसको दे दिया और कहां बिजली की आपूर्ति हो रही है? पूरे प्रदेश की जनता हकलान है और इस बिजली संकट से अविलंब इस सरकार को निजात दिलाना चाहिए। सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी और झारखंड मोर्चा ने